का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एम सी क्यू में। आज की इस वीडियो में कुछ एम सी क्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। और ये एम सी क्यूज़ जो हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं फार्मासिस्ट के, ड्रग इंस्पेक्टर के, जीपैट के, इनसे ही लिए गए हैं, ओके। और ये एम सी क्यूज़ जो होते हैं अपकमिंग जो फार्मा कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स आप लोग देख लीजिए, और सेंटर के जो फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम होते हैं, ESIC का है, CGS या आपका CGHS का जो होता है, या फिर आप डिप्लोमा का भी जो एग्जिट एग्जामिनेशन होता है होना है, ठीक है। तो ये एम सी क्यूज़ जो हैं सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जाने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा पापावरिन इज, तो पापावरिन क्या है आपने बताना है। देखिए पापावरिन किस में आता है, देखिए पापावरिन जो होता है, जो आप लोग ओपियम पढ़ते हैं ना, ओपियम, ओपियम के अंदर क्या होते हैं, दो टाइप के एल्कलोइड्स होते हैं ओपियम के अंदर, एक तो होते हैं फिनेंथ्रीन डेरिवेटिव्स होते हैं और एक होते हैं बेंजो आइसोक्विनोलिन्स डेरिवेटिव होते हैं। फिनेंथ्रीन डेरिवेटिव्स जो होते हैं उसमें आपका मॉर्फिन, कोडीन, थीबेन आता है, और जो बेंजो आइसोक्विनोलिन्स जो होते हैं उसमें आपका आता है पापावरिन आता है और एक नोसकैपिन आता है, ओके। तो ये वही पापावरिन की बात हो रही है, ओके। तो ये पापावरिन जो होता है, ये देखिए ऑप्शंस में आपको क्या दिया, वीक एनालेप्टिक वैसोडाइलेटर, एंटी नियोप्लास्टिक या सेंट्रल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। देखिए पापावरिन जो होता है ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर ना होके वैसोडाइलेटर होता है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ओके। क्या होता है ये, वैसोडाइलेटर होता है, ओके। और ये एंटी नियोप्लास्टिक जो एंटी कैंसर ड्रग होती है, जो कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं उनको एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स भी बोलते हैं, ओके। तो आपका इसका आंसर वैसोडाइलेटर हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट, ड्रग एडमिनिस्ट्रेट थ्रू द फॉलोइंग रूट इज मोस्ट लाइकली टू बी सब्जेक्टेड टू फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म। ऑप्शन देखिए, देखिए सबलिंगुअल, सबक्यूटेनियस, ओरल या रेक्टल, ठीक है। तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेट थ्रू फॉलोइंग रूट इज मोस्ट लाइकली टू सब्जेक्टेड टू फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म, तो कौन से रूट से है जो ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म जो होता है, आप ओरली जब ड्रग देते हैं सबसे ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा ओरल, ओके। क्वेश्चन एक काफ़ी ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है ये। नेक्स्ट है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट इम्प्रूव द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेन्यूल्स, तो ग्रेन्यूल्स की फ्लो प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करते हैं, कौन से इंग्रेडिएंट इम्प्रूव करते हैं बताइए, डायलुएंट, सॉरी इसमें क्या लिखा, ग्लाइडेंट्स हैं, इमोलियंट्स हैं, डायलुएंट या सर्फेक्टेंट, ठीक है डायलुएंट है ये, तो जो फ्लो प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करते हैं, फ्लो प्रोमोटर्स जिनको बोलते हैं, फ्लो प्रोमोटर्स जिसमें आते, जो मतलब कि जो होते हैं आपके ग्लाइडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लाइडेंट्स को फ्लो प्रोमोटर्स भी बोलते हैं, तो क्या करते हैं, फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेन्यूल्स को इम्प्रूव करते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिड्यूस द रीनल क्लियरेंस ऑफ मीथोट्रेक्सेट लीडिंग टू मीथोट्रेक्सेट टॉक्सिसिटी, ओके। अभी इसके आप लोग ऑप्शन देखिए, देखिए मीथोट्रेक्सेट पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन सी क्लास की ड्रग है। देखिए जब आप लोग पढ़ते हैं एंटी कैंसर ड्रग पढ़ते हैं, ओके, एंटी कैंसर ड्रग को एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग भी बोलते हैं, एंटी मैलिग्नेंट ड्रग भी बोलते हैं, साइटोटॉक्सिक ड्रग भी बोलते हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, इसके ऊपर भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था इस टाइप से, ओके। तो इनके ये, इनको ये सब बोल सकते हैं। तो इसमें एंटी कैंसर ड्रग में एक आपकी कैटेगरी, जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कैटेगरी आती है आपकी एंटी मेटाबोलाइट, एंटी मेटाबोलाइट में आपके आते हैं फोलेट एंटागोनिस्ट, जिसमें आपका क्या आता है, मीथोट्रेक्सेट आता है। मीथोट्रेक्सेट क्या होता है, फोलेट एंटागोनिस्ट होता है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर होता है, ये क्या होता है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर में आपका मीथोट्रेक्सेट आता है, ओके। अब क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से आपको ये दिए हुए हैं फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिड्यूस द रीनल क्लियरेंस ऑफ मीथोट्रेक्सेट। देखिए मीथोट्रेक्सेट का जो रीनल क्लियरेंस होता है उसको रिड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है, मीथोट्रेक्सेट की टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो आपके जो एस्प्रिन होती है और क्या, सल्फोनामाइड्स, ठीक है, एस्पिरिन और जो सल्फोनामाइड्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो मीथोट्रेक्सेट होता है इसका रीनल ट्यूबुलर सिक्रेशन जो होता है, रीनल ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है मीथोट्रेक्सेट का, उसको रिड्यूस करा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मीथोट्रेक्सेट की टॉक्सिसिटी हो जाती है, ओके। तो अभी ऑप्शन देखिए, प्रोटोन पंप इनहिबिटर दिया हुआ आपको, सैलिसिलेट्स, फिरोसिमाइड या ओल, तो आपका आंसर हो जाएगा सैलिसिलेट्स, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ओके।
सैलिसिलेट्स आपका आंसर हो जाएगा, और बाकी प्रोटोन पंप इनहिबिटर जैसे आपके इसमें ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ये सब प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स होते हैं आप लोगों के। और जो ये फिरोसिमाइड किस में आता है, फिरोसिमाइड जो होता है हाई सीलिंग डायुरेटिक्स, जिनको बोलते हैं लूप डायुरेटिक्स भी बोलते हैं, उसमें आपका फिरोसिमाइड आता है। ओके क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, शिफ्ट टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू असर्टेन ससेप्टिबिलिटी टू, तो ये क्वेश्चन आई थिंक प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखा था, शिफ्ट टेस्ट किसके लिए होता है, तो शिफ्ट टेस्ट आप पढ़ते हैं डिप्थीरिया के लिए शिफ्ट टेस्ट होता है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, डिप्थीरिया जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी होता है, तो इसके लिए होता है शिफ्ट टेस्ट होता है डिप्थीरिया के लिए। ओके सिफिलिस जो होता है, सिफिलिस किस में आता है, एसटीडीज में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आता है, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है ट्रिपोनिमा पैलिडियम होता है, और सिफिलिस के लिए आपका जैसे वॉशरमैन कान टेस्ट और एक VDRL टेस्ट होता है। ओके तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हाइपरकैलेमिया इज सीन विद द इंजेक्शन ऑफ फॉलोइंग ड्रग एक्सेप्ट, मतलब कि इन ये जो आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से तीन ड्रग्स तो हाइपरकैलेमिया कोज करेगी, एक नहीं करेगी, आपने वही बतानी है जो हाइपरकैलेमिया कोज नहीं करेगी। हाइपरकैलेमिया मतलब कि पोटाशियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो देखिए एक तो आपके पोटाशियम स्पेयरिंग डायुरेटिक्स होते हैं, ये पोटाशियम को स्पेयर कराते हैं, हाइपरकैलेमिया कोज करा देते हैं, जिसमें आपके ऑप्शंस में स्पायरोलैक्टोन आपको दिया है, स्पायरोलैक्टोन क्या होता है, पोटाशियम स्पेयरिंग डायुरेटिक्स होता है, एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट होता है, और इसका एक मेटाबोलाइट होता है कैंड्रिनोन। ओके स्पायरोलैक्टोन का इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बताया। ओके तो पोटाशियम स्पेयरिंग डायुरेटिक में आता है, तो एक तो ये हाइपरकैलेमिया कोज करेगा, और एप्ली जो दिया हुआ है एप्लीरिनोन, ये भी पोटाशियम स्पेयरिंग में आता है। एसी इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स जो होते हैं, जिसमें आपके प्रिल वाली ड्रग आती है, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनालाप्रिल, तो ये सब आपके क्या होते हैं, एसी इनहिबिटर्स होते हैं। और इसका एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है कि मेजर एडवर्स इफेक्ट एसी इनहिबिटर का क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो सोचिए बताइए क्या होता है, मोस्ट कॉमन जो एडवर्स इफेक्ट होता है एसी इनहिबिटर का वो होता है ड्राई कफ कोज करा देते हैं ये। ओके एसी इनहिबिटर्स, ओके तो और ये एसी इनहिबिटर्स होते हैं हाइपरकैलेमिया भी कोज कराते हैं, ये भी आपने याद रखना है एसी इनहिबिटर्स का। अब बची कौन सी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स बचे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में आपका जैसे निफेडिपिन है, विरापामिल है, डेल्टियाजैम है, कई बार क्लास देखिए कोलोजी का क्लासिफिकेशन तो है ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी कैटेगरी में कौन सी ड्रग है जो कौन सी कैटेगरी की है। तो देखिए आपका फिर आंसर क्या हो गया, इसमें एक्सेप्ट पूछा है, तो ऑप्शन सी आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आपका आंसर हो जाएगा, ये हाइपरकैलेमिया कोज नहीं कराते। ओके नेक्स्ट है, ड्रग यूज इन लेप्रोसी, लेप्रोसी की ड्रग पूछी है, लेप्रोसी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है। ओके तो इसमें कौन कौन सी ड्रग यूज करते हैं, एंटी लेप्रोटिक ड्रग जो आपको पता होनी चाहिए, तो लेप्रोसी में जैसे आपका इसमें ऑप्शंस देखिए, इसमें डेप्सोन आपको दिया है, डेप्सोन डाई अमीनो डाई फिनाइल सल्फोन आपका डेप्सोन होता है, इसको लेप्रोसी में यूज करते हैं, एंटी लेप्रोटिक होता है। ओके और देखिए इसमें क्लोफाजिमिन एक डाई होती है जो लेप्रोसी में, उसको अगर आपसे पूछे क्वेश्चन कौन सी डाई है जो लेप्रोसी में यूज होती है, दैट इज क्लोफाजिमिन। ओके इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। ओके और एक होती है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जिसको लेप्रोसी में भी यूज करते हैं, एक तो रिफाम्पिसिन होती है, दूसरी होती है इथियोनामाइड होती है, ध्यान रखना है रिफाम्पिसिन और इथियोनामाइड ऐसी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जिसको लेप्रोसी में भी यूज करते हैं। ओके मतलब ट्यूबरकुलोसिस के लिए और लेप्रोसी के लिए दोनों के लिए यूज करते हैं इन दोनों ड्रग्स को। ओके और बाकी आप तो इसका हमारा देखिए लेप्रोसी का डेप्सोन हो गया, ऑप्शन जो है बी राइट हो गया। ओके बाकी देखिए फाइसोस्टिग्मीन है, ये आपके जो एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस जो आते हैं उसमें आपका फाइसोस्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन, पाइरोस्टिग्मीन ये सब ड्रग आता है ना। और बाइपेरिडन किस में आता है, बाइपेरिडन देखिए बाइपेरिडन जो आप लोगों का होता है ये आता है जो आप पार्किंसंस डिजीज़ की जो ड्रग पढ़ते हैं, जो पार्किंसंस डिजीज़ में यूज़ होती है ड्रग, जो ड्रग यूज़ होती है उसमें आपके एक आते हैं सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक, सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स जो पार्किंसंस डिजीज़ में यूज़ होते हैं सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक,
ओके। तो उसमें आपका, उसमें आप पढ़ते हैं, तीन ड्रग पढ़ते हैं, ट्राईहेक्सीफेनिडाइल पढ़ते हैं जिसको बेंजहेक्सोल भी बोलते हैं, ओके। एक आता है प्रोसाइक्लिडिन और एक आता है बाईपेरिडन। तो ये वही बाईपेरिडन है, सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक होता है और इसको पार्किंसंस डिजीज में यूज करते हैं, ओके। सिलीजुलिन दिया है ऑप्शंस में, सिलीजुलिन क्या होता है, माओ बी इनिबिटर होता है। माओ बी इनिबिटर्स में आपका सिलीजुलिन आता है, ये भी एंटी पार्किंसंस ड्रग आप लोग पढ़ते हैं जब इस उसके क्लासिफिकेशन में आता है माओ बी इनिबिटर जिसमें आपका सिलीजुलिन आता है, ओके। देखिए इस टाइप से अगर हम ड्रग्स को देखते हैं ना तो हमें ना क्लासिफिकेशन हमारा पक्का हो जाता है, क्योंकि ऐसे बीच बीच में जो ड्रग्स आती हैं तो आप लोग देखा कीजिए कौन सी क्लास की ड्रग है, तो इससे क्लासिफिकेशन हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ओके। तो आपका ये हो गया, इसका डेप्सोन हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलिए, सेलेक्ट द इक्वेशन दैट गिव द रेट ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन फ्रॉम ए टैबलेट। तो मोस्ट ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसको जी पैट में देख लीजिए, ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में देख लीजिए, फार्मासिस्ट के एग्जाम में देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, ड्रग डिसोल्यूशन फ्रॉम ए टैबलेट। तो इसके लिए इक्वेशन जो होती है बिल्कुल सिंपल है, सभी को आता है, नॉइस विटनी इक्वेशन होती है। इसके लिए ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा, नॉइस विटनी इक्वेशन। बाकी ऑप्शंस में आपको फिक्स लो मिला है, हैंडरसन हैजलबैक इक्वेशन है और माइकलिस मेंटन इक्वेशन है, ठीक है। और आपका आंसर हो जाएगा नॉइस विटनी इक्वेशन। नेक्स्ट है, जीरियाट्रिक पॉपुलेशन शुड बी इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग फेज ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर क्वेश्चन, तो जीरियाट्रिक पॉपुलेशन होती है कौन सी फेज में इंक्लूड करते हैं, फेज वन, फेज टू, फेज थ्री या फेज फोर। तो ये होती है आपके ऑप्शन सी, फेज थ्री में इंक्लूड करते हैं इनको, ओके। नेक्स्ट है, और क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए हमारा शेड्यूल कौन सा होता है बताइए, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए हम शेड्यूल वाई पढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट है, यूजिनोल इज प्रेजेंट इन, काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजिनोल जो होता है किसमें, देखिए फेनल, क्लोव, कार्डमम या कोरिएंडर। यूजिनोल क्लोव में प्रेजेंट होता है, क्लोव काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, क्लोव, ओके। देखिए क्लोव जो है इसकी सारी ही बातें इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है क्लोव। क्लोव जो है इसका सोर्स क्या होता है, इसका सोर्स होता है, ये होता है फ्लावर बर्ड, फ्लावर बर्ड ऑफ द यूजीनिया कैरियोफाइलेसियस, मिर्टेसी फैमिली होती है क्लोव की, ओके। यूजीनिया कैरियोफाइलेसियस इसका सोर्स होता है और इसकी फैमिली क्या होती है, मिर्टेसी होती है, ओके। और इसके अंदर यूजिनोल प्रेजेंट होते हैं और क्लोव के अंदर देखिए 70-90% तक यूजिनोल प्रेजेंट होता है क्लोव के अंदर। क्लोव के अंदर वोलेटाइल ऑयल कंटेंट देखें तो 15-20% होता है, लेकिन जो यूजिनोल, सिर्फ यूजिनोल जो होता है वो 70-90% तक यूजिनोल क्लोव के अंदर प्रेजेंट होता है। और क्लोव के जो अडल्ट्रेंट होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और क्लोव के बारे में देखिए एक बात याद रखना कि क्लोव के अंदर क्लस्टर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट प्रेजेंट, तो क्लस्टर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट प्रेजेंट होते हैं। और क्लोव के अंदर स्टार्च एब्सेंट होता है, स्टार्च जो होता है क्लोव के अंदर एब्सेंट होता है, क्लोव डज नॉट कंटेन स्टार्च, ओके। क्लस्टर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट और एक एनोमोसिटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, एनोमोसिटिक स्टोमेटा क्लोव की, ठीक है। इसकी जो माइक्रोस्कोपिक करेक्टर्स हैं उनसे तीन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करेक्टर्स है क्लोव के बारे में, ओके। और इसके अडल्ट्रेंट्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसमें मदर क्लोव होता है, ब्राउन क्लोव होता है, ठीक है। एक तो मदर क्लोव होता है, एक ब्राउन क्लोव होता है, क्लोव स्टार्क होता है, ठीक है। मदर क्लोव जो होता है ये क्या होता है, ये राइपेंड फ्रूट होता है। देखिए मदर क्लोव के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है, क्लोव के अंदर स्टार्च एब्सेंट होता है, बट जो मदर क्लोव है इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है, ओके। और जो ब्राउन क्लोव जो होते हैं ये एक्सपेंडेड फ्लावर्स होते हैं। क्लोव स्टाक जो होता है, क्लोव स्टाक को कैसे इसको डिटेक्ट करते हैं, इसके अंदर क्या होता है, प्रिजम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, मतलब कैल्शियम ऑक्सलेट के प्रिजम्स प्रेजेंट होते हैं क्लोव के अंदर। तो क्लस्टर क्रिस्टल्स बताए मैंने, लेकिन जो क्लोव स्टाक है इसके अंदर क्या होते हैं, प्रिजम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो ये सब बातें हैं क्लोव्स के बारे में, हमें याद रखने काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लोव। बाकी ऑप्शन देख लीजिए, फेनल जो है एम्बेलीफेरस फ्रूट होता है, फेनल का सोर्स क्या होता है, फोनिकुलम वल्गेयर इसका सोर्स होता है फेनल का, और ये एम्बेलीफेरस फ्रूट है तो एम्बेलीफेरस की फैमिली होता है और जिंजीबरेसी फैमिली होती है।
कोरिएंडर, धनिया जो होता है कोरिएंडर, कोरिएंडर जो होता है इसका सोर्स होता है कोरिएंडरम सटाइवम, और ये इसकी फैमिली भी अम्बेलीफेरी है, जैसे फेनल की फैमिली अम्बेलीफेरी है। ओके, तो क्लियर हो गया आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन है एल्कलोइड्स आर नॉट प्रेसिपिटेटेड बाय, ऑप्शन देखिए मेयर्स रिएजेंट, ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट, पिक्रिक एसिड, मिलन्स रिएजेंट। देखिए जो एल्कलोइड्स के आप जनरल टेस्ट पढ़ते हैं उसमें आपका मेयर्स टेस्ट है जिसमें मेयर्स रिएजेंट यूज होता है, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट होता है ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट इसमें यूज होगा, वेगनार टेस्ट होता है, और हैगर्स टेस्ट जिसमें पिक्रिक एसिड यूज होता है। ओके, तो आपके ये तो सारे एल्कलोइड्स के लिए होते हैं बट मिलन्स रिएजेंट नहीं होता, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, मिलन्स रिएजेंट। ओके, नेक्स्ट है प्रोटोन पंप इनिबिटर लाइक ओमीप्राजोल एंड लैंसोप्राजोल कंटेन द फॉलोइंग रिंग सिस्टम। ठीक है, प्रोटोन पंप इनिबिटर जो पीपीआईज जो होते हैं, प्रोटोन पंप इनिबिटर होते हैं, इसमें प्राजोल वाली ड्रग आती है, ओमीप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लैंसोप्राजोल, ये सब ड्रग्स आती हैं। ठीक है, तो जिसमें पूछा है ओमीप्राजोल लैंसोप्राजोल में इसमें जो रिंग होती है कौन सी, देखिए पायरिडीन, बेंजीमिडाजोल, बेंजोथायाजोल, ऑक्सिंडोल, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, बेंजीमिडाजोल रिंग होता है, ध्यान रखना कौन सी रिंग है, बेंजीमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होता है ओमीप्राजोल लैंसोप्राजोल इनमें। ओके, नेक्स्ट है टीयर सिक्रेशन कंटेन एंड एंटीबैक्टीरियल एंजाइम, तो टीयर्स में जो एंजाइम होता है एंटीबैक्टीरियल होता है कौन सा होता है, जाइमेज, डायस्टेज, लाइसोजाइम, लाइपेज, तो ये लाइसोजाइम होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, लाइसोजाइम। ओके, नेक्स्ट है स्पूरियस ड्रग्स मींस, ऑप्शन देखिए इमिटेशंस, रिजेंबल ड्रग्स, सब्स्टिट्यूट्स, ऑल। देखिए स्पूरियस ड्रग्स जो होती हैं ये इमिटेशंस भी होती है, रिजेंबल ड्रग्स भी होते हैं, सब्स्टिट्यूट्स भी होते हैं, तो ऐसे सारांश से आप लोग याद कर सकते हैं स्पूरियस क्या है, सब्स्टिट्यूट्स है, रिजेंबल ड्रग्स है, और इमिटेशंस है। ओके, इस जो SSRIs आप लोग पढ़ते हैं सिलेक्टिव सीरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर्स, तो आपके SSRIs होते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग में आप लोग पढ़ते हैं ना, तो वहाँ से आप इस SSRI को याद रखेंगे। तो यहाँ पर SSRI का मतलब है स्पूरियस, स्पूरियस सब्स्टिट्यूट्स, रिजेंबल्ड और इमिटेशंस। ओके, नेक्स्ट है डिक्लोफिनैक टेबलेट कोटेड विद सेलोज एसिटेट थैलेट, सेलोज एसिटेट थैलेट, ओके, हैव बीन एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट, वेयर डू यू एक्सपेक्ट द ड्रग टू बी रिलीज्ड। तो सेलोज एसिटेट थैलेट क्या है, ये एंटेरिक पॉलीमर है, क्या है ये एंटेरिक पॉलीमर होता है सेलोज एसिटेट थैलेट, मतलब कि टेबलेट्स पे एंटेरिक कोटिंग की हुई है, तो ड्रग कहाँ पे रिलीज होगी बताइए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शंस में स्टमक, ओरल कैविटी, स्मॉल इंटेस्टाइन और लीवर आपको मिला है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।